ये समाचार हमें मिला था कि रत्न सिंहासन से पीछे से एक लाइम प्लास्टर गिरा है, जिसके ऊपर हमने चर्चा की, टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी बात हुई, चर्चा हुई, और उसके बाद में हमारा एक टीम जाके इंस्पेक्शन किया उस स्पॉट का, जिसके अंदर टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन से इंजीनियर साहब भी थे और कमांडर साहब भी थे। वो तीनों ने आकर के जो हमें बताया, जो इस तरह से हम लोग को पता चला है, वो रत्न सिंहासन के पीछे का एक कॉर्नर से एक छोटा सा प्लास्टर का टुकड़ा गिरा है। उस प्लास्टर के टुकड़े को गिरने से रत्न सिंहासन को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो एक सिंपल प्लास्टर है। स्टोन जो भी है, जो बेस है उसका, एकदम इंटैक्ट है, पहले भी इंटैक्ट था। प्लास्टर हमने उस पर सैक्रिफिशियल लगाया था टू रिस्ट्रिक्ट दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एस कॉकरोचेस वगैरह ऊपर चढ़ते हैं, उसको रोकने के लिए लगाया था। तो उससे उसका कोई रत्न सिंहासन में कोई नुकसान नहीं है। जहाँ तक रही बात उसकी रिपेयर की, नीति चालू है, भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान है, और अब ये जो छोटा सा रिपेयर भी है वो अगले रथ यात्रा में लिया जाएगा, ऐसा हमने MC मीटिंग में आज बताया है। तो उस पर कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग जरूर उसको टेकअप कर लेंगे। रत्न भंडार जहाँ तक बात है, रत्न भंडार का जो कंट्रोल है वो हमारे पास नहीं है। ASI पास रिक्वेस्ट आएगी कि रत्न भंडार का इंस्पेक्शन करके असेसमेंट करें, कंजर्वेशन नीड्स को पहचान स्टडी करें और कंजर्वेशन करें, तो ASI विल टेक अप द वर्क ऑन द प्रायोरिटी बेसिस।